अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शाह मीना की सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है 4th of January और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी मैं बस स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ और बस अभी गाड़ी का मैं वेट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि वेडनेसडे सैटरडे मेरा वाइट ड्रेस रहता है तो मैंने वाइट ड्रेस पहना है और ये देखिए मेरे ड्रेस को और ये ऊपर से ये आई कार्ड मैंने पहना है और ये स्वेटर के नीचे ही मेरा ये टाई है और ये रही मेरी स्वेटर और ये दो छोटी और उसमें भी वाइट वाइट गार्डर। हमारे स्कूल में ये है कि ब्लैक ड्रेस रहता है तो उस दिन ब्लैक गार्डर और वाइट ड्रेस तो उस दिन वाइट गार्डर, इट्स अ रूल। और नेल चेकिंग भी होती ही रहती है। तो फ्रेंड्स से देखिए अभी बाहर में आज जब मैं सो के उठी थी तो फॉग भी था थोड़ा थोड़ा और आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कल परसों जब धूप हो रहा था तो लग रहा था कि गर्मी आ गई बट आज फिर से वही हाल है, फिर से आज बहुत ठंडी हो गई है। और ये देखिए ये रही वीट की खेत, वीट भी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। और ये देखिए हमारी प्यारी सी बाइक यहाँ पे लगी हुई है। और देखिए आज कुछ ज़्यादा ही ठंडी है तो आज कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, ना ही इस साइड पे और ना ही रोड पे उतना कोई नज़र आ रहा है और ना ही यहाँ पे खस्सी बकरी भी बांध दिया किया करता था सब, तो वो भी नहीं है आज क्योंकि आज फॉग वगैरह था तो वह ठंडी थी तो इसलिए लगता है कि कोई बाहर ही नहीं निकला है। बस फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ स्कूल, तो स्कूल से आऊँगी तो आपसे मिलूंगी, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स माशाल्लाह से मैं स्कूल से भी आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो आज मैं अपना फ़ोन लेके जा रही हूँ तो इंशाल्लाह आज मैं अभी शूट भी करूँगी और जितना भी जो भी सामान लेना होगा वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सामान तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वो मैं घर ही आके दिखाऊँगी क्योंकि मार्केट में रश रहता है और शूट नहीं हो पाती है कोई भी सामान लो अगर आप, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह से अभी मैं घर से निकल गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और देखिए मैं यहाँ पे अपने रोड पे भी पहुँच नहीं वाली हूँ बस, तो बस मार्केट में चलती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ भी जो भी होंगी मैं शूट ज़रूर करूँगी। और मेरे गाँव ही में मतलब कि मेरे घर से 2 किलोमीटर पर ही एक मॉल भी खुला हुआ है जिसका नाम स्मार्ट पॉइंट है, तो मैं मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे उस वहाँ भी जाके कुछ सामान लेना है तो इसलिए मैं वहाँ भी जाऊँगी, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं फिर शूट करूँगी तो फिर आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। सभी हम लोग एक किराना दुकान में आए, मेरे साथ में मेरी फूफी भी आई हुई है और वो किराना दुकान में कुछ सामान लेती हैं। ये दुकान है और यह काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है और देखते हैं अभी आगे जाते हैं फिर आपको फिर सब बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। और ये देखिए अभी मैं आगे जा रही हूँ, अभी मुझे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे मॉल जाना है, तो देखती हूँ और आगे भी चलती हूँ फिर आपको भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स आप ये प्लेस को देखिए जहाँ पे वो कार लगा हुआ है, यहाँ पे व्हीकल्स जो हैं वो साफ़ होती हैं। यहाँ देखिए अभी यहाँ पे जैसे कि ट्रैक्टर जो है वो साफ़ हो रहा है और ये एक दुकान है जिसमें सभी मोती वगैरह कैसे सामान मिलते हैं। हाँ तो वो कॉस्मेटिक दुकान है जहाँ कॉस्मेटिक सामान ये सब मिलती है। और ये एक और किराना का दुकान रहा जहाँ पे अभी हम एंट्री कर रहे हैं, हमें जो पूछना था हमने पूछ लिया और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद अभी जो है ना ये पूरा इस साइड लाइन में से पूरा चिकन वगैरह का दुकान है और वहीं पे बीच में साइकिल की भी एक दुकान है, एक दो दुकान है।
और इस साइड पे चाप की दुकान है। और यहाँ पे बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम वगैरह हुआ करता है। तो यहाँ पे ये मेडिसिन का शॉप है, उसके बाद बार्बर का है, और उसके बाद ये एग वगैरह का भी है, और यहाँ पे फैन वगैरह भी बिका करता है और कुछ बर्तन वगैरह भी करता है। ये बालू गिट्टी यहाँ पे से जाता है, ट्रांसफर होता है अदर प्लेसेस पर। और ये रही एक और राशन की दुकान है ये भी। और ये देखिए अभी तक हम हाफ, हमें जहाँ जाना है उसके लिए भी हम 1/3 पार कर चुके हैं, अभी 2/3 अभी बचा हुआ है, तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पे। ये देखिए मैं मॉल जा रही हूँ, मैं थक गई थी चलते चलते, तो इसलिए हमने ये टैक्सी ले ली है और अब मैं जा रही हूँ। बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगी, फिर आपको मैं दिखाऊँगी वहाँ पे का व्यू। और ये देखिए अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि ना मैं आपको यहाँ पे का मार्केट दिखा दूँ। तो ये देखिए ये वाला जो रूम नज़र आ रहा है ये पोस्ट ऑफिस है, और देखते हैं जल्दी जल्दी से बस पहुँच जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे का व्यू भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हम पहुँच गए हैं प्रिंसेस हॉल में, जिसका नाम स्मार्ट पॉइंट है, जो डिजाइंस है, और अब हम अंदर चलते हैं और फिर वहाँ पे कभी व्यू इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये देखिए मैं इस मॉल में आ गई हूँ, अभी मैं सब सामान देख रही हूँ, तो बस सब कुछ ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं घूम रही हूँ, मेरे साथ जो मेरी फूफी हैं उनको कुछ यहाँ से लेना है, तो वो कुछ ले लेती हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं भी उनकी कुछ हेल्प कर देती हूँ लेने में। तो मैं गई थी उनकी हेल्प करने, मुझे कुछ उतना समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, तो मैंने कुछ नहीं बोला और फिर मैं चुपचाप से अपना इसी तरह वीडियो करने लगी। अभी मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और उसके लिए अभी मैं चॉकलेट के सेक्शन में जा रही हूँ, मुझे कुछ चॉकलेट लेनी है, तो बस उसको ले लेती हूँ, फिर आपसे भी मैं ये ले रही हूँ ये वाला गुड़। हाँ तो अभी हम लोगों ने ले लिया है गुड़, और उसके बाद मैं इधर से ले रही हूँ उस सेक्शन से भी कुछ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये वाला फ्रूट ही ले लिया जाए, तो ये भी ले लेती हूँ एक। तो बस अभी बस बिलिंग करवा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स तो अभी बहुत सारा सामान मैंने ले लिया है मॉल से, और अभी बस मैं अब निकल रही हूँ इस मॉल से, और अभी बाहर से भी बहुत सारा सामान लेना है, कुछ मेरा सामान है और कुछ घर का सामान भी लेना है, मुझे अपने स्लीपर भी लेना है। तो अब सभी चीज़ ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, और बीच बीच में मैं ज़रूर शूट करती रहूँगी। तो देखिए अभी मैं बस और जितना भी सामान लिया है वो इंशाल्लाह ताला घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी, मार्केट में नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो इंशाल्लाह घर जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये खाली जगह है, कितना प्यारा जगह है, ये पूरा खाली एक मैदान की तरह है, और उस साइड वो एक तालाब की तरह वहाँ पर छोटा सा पोखर टाइप का है। और अभी मेरी फूफी को देखिए, वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और मैं
बहुत पीछे पीछे हैं, जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। मैं भी साथ में पहुँच चुकी हूँ। और ये जो दुकान है यहाँ पे से भी बालू गिट्टी वगैरह ट्रांसफ़र हुआ करती है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी लगी हुई है। आधा पार कर चुकी हूँ। ये वाला जो हाउस है ना फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी, और बहुत अट्रैक्टिव उसका कलर भी है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा मुझे लगता है। तो अभी हम एक और होल सेलर शॉप पे आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग वो कुछ चाहिए था, मुझे मेरा हॉर्लिक्स लेना है, तो वो ले लेती हूँ, फिर आपसे लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हम आ गए हैं शॉप पे। तो अभी मैं ले रही हूँ हॉर्लिक्स अपना, तो फिर ले लेती हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह घर जाके ज़रूर दिखाऊँगी मैंने कौन वाला लिया है। तो हम वहाँ से सामान लेने गए थे अपना हॉर्लिक्स, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो भैया बहुत एक्सपेंसिव उसका रेट बता रहे थे, तो हमने वहाँ से नहीं लिया। अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं लेने, उससे पहले मैं अपना जा रही हूँ स्लीपर भी लेने। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ इस शॉप से, मैं जा रही हूँ अपना फूड लेने। तो देखती हूँ मुझे कौन सा पसंद आता है और मैं कौन सा लूँगी, तो इंशाल्लाह घर जाके ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन वाला लिया। बहुत टाइम लगने के बाद मुझे एक पसंद आया स्लीपर, तो बस मैंने वो ले लिया है और अभी मैं घर जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह घर जाके आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं एक मिल्क शॉप पे आ गई हूँ, मुझे मिल्क लेना है 2 लीटर। मैं हर 2-3 डेज पे यहाँ से 2 लीटर मिल्क ले जाती हूँ। तो बस अभी मैं भूपी के साथ भी आई हुई हूँ, तो मुझे अकेली साइकिल से फिर कल नहीं आना पड़ेगा, इसलिए आज हम एक दिन पहले ही दूध ले रहे हैं 2 लीटर। और ऐसे भी कल संडे भी है, तो कल एक बार मुझे और आना है। मेरा बैग जो है वो थोड़ा सा फट गया है, तो उसे भी मुझे सिलवाना है, तो एक बार इंशाल्लाह जल्द फिर आऊँगी। आज मैं भूल गई थी लाना बैग, इसलिए कल आऊँगी मैं। तो बस अभी हमने दूध भी परचेस कर लिया है, और उसके बाद अभी फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। मैंने मार्केट में कुछ शूट नहीं किया उतना, उसके बाद फिर मैंने अपनी चप्पल भी खरीदी है। ऐसे तो मेरे पास चप्पल है, बट वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है, और मुझे ऐसे भी लेना ही था, और अभी मुझे अपने आंटी के भी घर जाना है, तो वो उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है, और मुझे ऐसे भी लेना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ले लूँ। तो ये रही मेरी चप्पल। न्यू कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। उसके बाद मैंने अपने लिए ये 10 वाला केक भी लिया है। ये बहुत ब्लर हो रहा है, तो फिर मैं इसको यहाँ पे आके दिखाती हूँ, ये देखिए। और फिर मैंने गुड़ वगैरह लिया है, गुड़, फिर बहुत सारा सामान लिया है हमने, और एग वगैरह भी लिए है हमने। तो उतना तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बट जितना दिखा रही हूँ उतना ही काफ़ी है। और सारे चीज़ जगह पे भी चला गया, राइस वगैरह भी हमें लेना था, तो वो भी ले लिया है हमने। तो बस अब मैं जा रही हूँ उर्दू पढ़ने, तो पढ़ के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने पढ़ भी लिया है, स्कूल की बहुत सारे होमवर्क्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। कल संडे है, तो कल लेट ही से उठूंगी, क्योंकि संडे इज़ अ फन डे। कि मैं बोलती हूँ कि संडे जो है फन डे है, और अगर आप मेरे बच्चे हो या फिर कोई भी हो, तो संडे के दिन हर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी होगा, तो वो सभी का छुट्टी रहता है, तो सभी के लिए संडे इज़ अ फन डे। और ये देखिए मेरा प्यारा सा टेडी बियर आ गया है मेरे पास, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। और इस पे जो लिखा हुआ है ना, इट इज़ वेरी नाइस, तो ये मुझे और भी ज़्यादा इसके लिए प्यारा लगता है। और कल तो संडे है, तो देखते हैं कल क्या होता है मेरे साथ, बिकॉज के संडे के दिन जो है ना सभी का रूटीन बहुत ज़्यादा ही चेंज रहता है, और उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। मेरा भी रूटीन संडे के दिन का अच्छा नहीं रहता है, इधर उधर रहता है। तो अभी हम चल रहे हैं किचन में और देखते हैं आज क्या पका है खाने में।
आज पकी है सेम की सब्जी और ये रही रोटी की पॉट और कल सुबह बनने वाली है ये गोभी। और देखिए मैं जो मार्केट मॉल से लाई थी मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो मैंने सोचा अभी वहाँ पर सामने था तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूँ। तो मैंने मॉल से लाया था 3 kg चावल और ये लाया था रेड लेवल टी और यही सब मैंने लाया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने गुड़ भी लाया था, तो फ्रेंड्स मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए गुड़ जो कि ये रहे इसमें रखा हुआ, तो इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ से परचेस किया था। और ये देखिए ये आम का अचार है, नहीं नहीं सॉरी फ्रेंड्स ये बांस का अचार है जो कि मेरे पापा ने परचेस किया था सोनपुर मेला से। अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ये हर साल लगता है और अभी ये कोविड की वजह से 2 ईयर से नहीं लग रहा था, तो इस बार वो लगा था। तो मेरे पापा गए थे उस मेले में वहाँ विजिट करने, ऐसे पहले भी गए मैं तो इस बार भी गए थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से वो एक न्यू स्टाइल का अचार लेकर परचेस करके आए थे, एक था बांस का और एक आम का। आम का तो हम लोग खाते ही रहते बट बांस का एक न्यू स्टाइल का था तो उसे भी उन्होंने परचेस किया था। ये देखिए मैं इतना सा गुड़ ले आई हूँ अपने लिए और अभी मैं इसे खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मुझे कल तो ऐसे भी संडे है तो इंशाल्लाह कल कुछ मैं ट्राई करूँगी। मैं कहने का मतलब है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता है अभी, तो मैं बस 11 साल की हूँ तो मुझे उतना कुछ भी नहीं आता है बनाना। मुझे बस आता है पुआ, गुपचुप, पास्ता, मैगी, केक और भी कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं आता है, और एक चाय और कॉफ़ी, ये सब चीज़ मुझे बनाना आता है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कल कुछ न्यू बनाना सीखूं, तो देखते हैं मैं कल क्या सीखती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ सीख लूँ। अभी मैंने रिसेंटली मैं आटा सानना सीखा है, तो पहले मैं जब कोई भी आटा सानता था तो मैं सोचती थी कि वो कैसे पानी डालता है, बट अब मुझे समझ आता है कि इन सब काम को अगर कोई भी तुम काम को सीखो करना तो वो बहुत इजी होता है, बस उसको करने की थोड़ा सा जुनूनियत अपने अंदर लाओ तो वो सभी काम जो होते हैं ना वो और भी ज़्यादा इजी लगने लगते हैं। तो देखिए अभी मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर में रात का समय है तो फॉग भी आ गया है थोड़ा थोड़ा सा, बट अभी ये नज़र नहीं आ रहा है, पूरा डार्क है तो ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये फॉग हो गया है। और अभी यहाँ तक हमने खाना भी नहीं खाया है क्योंकि अभी आज सैटरडे है तो आज 9 o'clock से ही बिग बॉस देना स्टार्ट हो गया नाइट में, और अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले भी है उसका, तो अभी सब बिग बॉस में ही लगे हुए हैं। और अभी तो सलमान खान आ नहीं रहे, अभी उसके जो प्यारे हैं करण जौहर, तो सब अभी लगे हुए हैं बिग बॉस में। और ये देखिए हमारी बाइक फिर से आज ऊपर चढ़ गई है और अभी मैं यहाँ पे बाहर बैठी हुई हूँ। तो बस अभी मैं भी बिग बॉस देख रही थी, मुझे थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगा एक ही चीज़ को देखते देखते, जब किसी की भी क्लास लगाओ तो एक ही टॉपिक पे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, अगर वो दूसरे टॉपिक चेंज होता तो फिर मैं देखती, तो फिर इसलिए मैं अभी आप लोग से बातें कर रही हूँ और बाकी सब बिग बॉस देख रहे हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो बस खाना खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो माशाल्लाह से अभी मैंने खाना भी खा लिया है और अभी फिर मैं देख रही हूँ ये देखिए एप्पल जो कि ख़राब भी हो रहे हैं पर अभी ये ख़राब नहीं हुए हैं तो अब कल इसे खाएंगे हम लोग। भूल गई थी मैं एप्पल को खाना, पता नहीं कैसे ना कैसे दिमाग से निकल गया था कि एप्पल भी है। देखिए अभी मैं अपनी अलमारी को खोल के बैठी हुई हूँ, मुझे इसमें कुछ चेक करना था तो बस मैं उसी चीज़ को चेक कर रही थी तो मुझे नहीं मिला, तो अब मैं टीवी देख लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स, अभी भी बिग बॉस हमारे घर पे चल रहा है, तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पैंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।